जा रहे हैं। चलो इंशाल्लाह आपने भी जो है ना तंग नहीं करना, ठीक है। माँ बाबा अभी तक नहीं आए, सियालकोट गए हैं, दूर का सफर होता ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। मिठू यहाँ पर अब जा रहा है स्कूल, बाकी बच्चों को तो भाईजान छोड़ रहे हैं। और मिठू का जो है ना कल का प्रोजेक्ट गाड़ी में ही रह गया था, जिसके लिए हमें आज फिर मिठू को छोड़ने जाना पड़ रहा है ना। मिठू लेट तो नहीं हुई, लेट हो गई। ऊंचा बोला करो, खाना नहीं खाती, फिर ऊंचा बोलो ना। ये कब हुआ था, शर्म आ गई, ये कब हुआ था। तो चलें जी अब मिठू को छोड़ते हैं, मिठू को पता नहीं आज वाकई शर्म आ रही है, तो मिठू को छोड़ के आते हैं स्कूल, फिर देखते हैं आगे हमने क्या करना। क्या कह रही हो, इन्हीं चक्करों के पीछे ना कल भी इसका प्रोजेक्ट रह गया था। चलो आओ जल्दी करो, डिग्गी खोलिएगा जी। फलवेरी हूँ मैं ना, जो हमारा वो कल का डिग्गी में ही रह गया था, तो ये आज अपनी मंजिल पे जाने लगा। पकड़ लोगे आप? हाँ जी, वो बाकी के इसके बैग में रख दिए थे, बाकी के छोटे छोटे इसके बैग में रख दिए थे। हाँ ठीक है, बैग भी उतार दो। सुने मैं जा रही हूँ, बाय बाय। चलाओ, नहीं गिरती, चल ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय। तो जी इशाल को छोड़ के अभी अभी घर आए हैं, तो बस अबाया वगैरह ही मैंने उतारा है, तो कॉल आ गई है कि जी सियालकोट जाना पड़ गया, इमरजेंसी में फोती हो गई है, तो बस इस वजह से बढ़ के जो नाना बुआ ना वो फोत हो गए। तो आप भी दुआ करिएगा उनके लिए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो जो उनके पीछे बच्चे हैं अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चों को हमने यही सोचा कि घर छोड़ कर जाएँगे, इशाल को भी अब्दुल सलाम प्रीज़ा, और जन्नत भी जो है ना अब्दुल सलाम प्रीज़ा के पास ही रहेगी। तो देखते हैं अब बच्चे आते हैं, हमने फ़ोन तो कर दिया स्कूल में कि जी आज बच्चों को जल्दी भेज दिएगा, हमने जाना है कहीं, तो बच्चे घर आएंगे तो फिर ही है। तो चलें फिर, थोड़े से काम है करने, अब मैं रेस्ट नहीं करूँगी, आपको पता है मैं इस टाइम हेल्पर से काम करवा के तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन आज मैं सोऊंगी नहीं, थोड़े से काम है जो वो करती हूँ, फिर बच्चों के आने का टाइम होगा तो फिर निकलते हैं जनाजे तक, हमने जो है ना सियालकोट पहुँच जाएंगी यहाँ पर। मैं फिर अब इसीलिए मैंने कहा कि वाइट चावल हैं जो बच्चों के लिए बना जाती हूँ थोड़े से, कि रात की आपको पता है दाल बनी हुई है, साबुत मसूर की दाल, चॉकलेट दाल बनी हुई है, तो बच्चे जो है ना वो खा लेंगे अगर लेट भी हो गए तो। जी दूसरी तरफ ये माशाल्लाह से रात को मैंगो आए थे ये फ्रीज करने के लिए, तो मैंने कहा इन्हें भी मैं जो है ना अब निकाल के चेक करके फ्रिज में रख देती हूँ, कि इतना टाइम नहीं है अब कि मैं इन्हें धो के काट के फ्रीज करूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे इनके साथ हमने क्या करना है, अभी हम इसे जो है ना ऐसे ही धो के तो फ्रिज में रख देते हैं। ये थोड़ा सा ख़राब निकला, इसे लादा रखते हैं, तो ये भी काम अब ज़रूरी था, नहीं तो ये मैंगो ख़राब हो जाने थे, मैं कहीं फ्रिज में रख जाती हूँ। देखते हैं बच्चे कब तक आते हैं, किधर में मैं भी फ्री हो जाऊँगी, रेडी शेडी होते हैं तो फिर निकलते हैं, एमरजेंसी में ही बस जाना पड़ गया। तो जी ऐसी जगहों पे आपको तो पता है कि फिर बच्चों को नहीं लेके जा सकते, बच्चे जो है परेशान भी होते हैं, और गर्मी भी इतनी है कि बच्चों को हमने इसीलिए कहा कि हम ना घर छोड़ देते हैं, अब्दुल सलाम प्रीज़ा जो है उन्हें फिर वक्त पे ट्यूशन भी ले जाएंगे इशाल को और जन्नत को, और घर आके खाना शाना भी दूसरे को दे देंगे, तो अल्लाह की सुपुर्दगी। बस चावल भी यहाँ पर पक गया, अभी इन्हें मैं दम पर रखूँगी, थोड़ा सा देसी घी ऊपर डालती होती हूँ, आपको पता है कि बहुत मज़े की खुशबू इससे आती है, अब इसे मैं दम पे रख दूंगी। जी इशाल भी आ गई है स्कूल से, तो देखते हैं आज इशाल ने लंच बॉक्स है जो वो फिनिश किया कि नहीं। ये इशाल ने फिनिश नहीं किया, इशाल को पता था कि मामा ने मुझे जो है ना ज़बरदस्ती खिलाना है, आज वो उधर ही दे आई है, उसे मैंने पूछा अपना जूस फिनिश किया, कहती जूस तो मैंने जो है ना उधर ही छोड़ दिया, बस हो गई थी मेरी, तो लंच बॉक्स भी इसने, मुझे 100% यकीन है इसने ना उधर ही दिया किसी को,
कि घर लेके गई तो मामा ने मुझे जो है ना ज़बरदस्ती कल की तरह खिलवा देना, पानी तक नहीं पिया हुआ। अब नीचे उतरी हुई है, देखते हैं, इसे बुला के पूछते हैं। जन्नत आपको भी दाल डाल दूँ थोड़ी सी, चॉकलेट दाल बड़ा मज़ा आएगा हैं, थोड़ी सी, या दही डलवा लो, ऐसे हाली कैसे खाओगी, दही डाल दूँ, दही थोड़ा सा, इंशाल्लाह। आपने क्या डालना, दही के दाल दाल, चलो ठीक है मैं डाल के लाती हूँ। चलो अब आप दोनों ने आराम से खाना है, मैं भी रेडी हो जाऊँ, ठीक है। अब ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ना दाल, है ना, मैंने स्पाइसी नहीं बनाई हुई। चलो शाल मिट्टू आपके भी ठंडे हो गए, हमारी तो रेस लग रही है। हाँ रेस लगी हुई है, जल्दी 1 2 3 गो, रेडी स्टडी गो, ठीक है, आराम से बेड पे ना गिरे, ठीक है। आप दोनों को कह रही हूँ, और दोनों बहनों का पानी भी रख दिया, पी लेना, ठीक है। अब मैं भी रेडी हो जाऊँ, तो मेरी बात सुनो, अब तुम आप बड़े हो, मेरा पर्स निकाल दो भाई, आपने सब बच्चों का ध्यान रखना है, ठीक है। जन्नत इशाल किसी को भी नहीं मारना, ये ना कहो कि मामा उन्होंने मारा था, मतलब मैंने इसीलिए मारा, ठीक है। नीचे डैडी बुला रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। चलो इशाल आपने भी जो है ना तंग नहीं करना, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमने बच्चों को हदायत वगैरह तो कर दी कि बाहर कोई भी आएगा आपने दरवाज़ा वगैरह नहीं खोलना, ट्यूशन जाना है इन्होंने, ट्यूशन टाइम पर चारों बच्चे जाएंगे, नहीं नहीं जाएंगे, खोल के जाएंगे दरवाजे सारे, फिर खोल के आएंगे, इसका पैक है तो पैक रहेंगे, पता चले पैक है, चले ठीक है, फिर छुट्टी करवा ले, तो देख लें जब बच्चों को ट्यूशन से भी छुट्टी करवा दी है, तो चले फिर अब चलते हैं, बच्चों को हदायत तो सारी की है कि आपने तंग शंग नहीं करना, तो अल्लाह की सपोर्ट, अब चलते हैं, तो चल के देखते हैं। अब मोबाइल आप लोग रख लो घर, ये मोबाइल घर रख लो, कोई काम शाम हुआ बात शायद करनी हुई तो कर लेना। जन्नत मैं आपको फिर कह रही हूँ, भाई का कहना मानना, वो नहीं मारेगा, ठीक है, और ट्यूशन से छुट्टी है बाबा ने कह दिया, ओके अल्लाह की सपोर्ट। तो जब यहाँ पर हमारा सफ़र था जो लाहौर से सियालकोट का, वो भी शुरू हो चुका था, और बच्चे जो थे वो घर में थे, हमें बच्चों की तरफ भी एक हमारा ध्यान था सबका, पापा जी, मैं, भाई जान, अबरार, भाभी और अब्दुल हादी, हम सारे जा रहे थे, और माशाल्लाह से चार बच्चे हमारे जो थे वो घर में थे, तो अल्लाह की सपोर्ट हमने उन्हें किया, और एक मोबाइल भी दे दिया, और उन्हें हमने कहा कि आपस में सलूक इतफाक़ से रहिएगा, खाए पिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। और कह रहे थे मामा जी कि हम ना आपके लिए छोटा सा व्लॉग भी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि हमने आपके बिना जो है ना सारा दिन कैसे गुजारा, तो मैं कहा चलो ठीक है। तो अब व्लॉग भी वो बना रहे थे, तो आगे मैं वो भी क्लिप है ना जो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह परेशानी थी, नहीं तो बच्चों के बिना आपको पता है माँ बाप का जाने को दिल नहीं होता, बच्चों ने उधर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना था, तो हमने इन्हें घर में ही छोड़ना जो है ना मुनासिब समझा कि घर में ही छोड़ के जाते हैं इन्हें। तो जी यहाँ पर हमारा जो सफ़र था वो भी बस थोड़ा ही रह गया था, हम भी बस पहुँचने वाले थे, यहाँ पर आपको ट्रैफिक देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम जो है ना सियालकोट पहुँच चुके हैं, और वहाँ पर जो फोर्थ के वाले घर के मैं क्लिप आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है ऐसी जगहों पर फिर क्लिप शेयर करना अच्छा नहीं लगता, मुनासिब भी नहीं है। ये देखें शाल जन्नत को मैंने ना नूडल्स बना दिए इधर, क्योंकि मेरा भी नहीं दिल चाह रहा था, भाई का भी नहीं दिल चाह रहा था, तो ये दोनों कह रही थी मैंने खाना है, इशाल कह रही थी मैंने चॉपस्टिक से खाना है, चॉपस्टिक से खाना है, चलो इशाल खा भी लो, आया मुँह में खाए तो इशाल तो चॉपस्टिक से नहीं गए, मैंने अब इसको फोक दिए, अब खा के बताओ, कैसा है शाल, आपको भी मजे का लगे क्या, तो वाज पास हुई, ठीक है, 10 out of 10। जन्नत आप कितने दोगी, 600, 10 out of 600। जी फिर अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, हम नूडल्स खा के बर्तन बाहर किचन में रखने आए हैं, तो बारिश हो रही थी, बारिश ऐसी कि मतलब कि हबस हबस वाली, के मतलब ज़्यादा तेज़ भी नहीं हुई कि बारिश होने के बाद जो एक हबस हो जाती है ना वो, और बारिश हो जाए, गर्मी हो जाए, तूफ़ान हो जाए, ये बच्चे आएंगे और खेल के जाएंगे, पहले हम भी इसी तरह इनकी तरह थे, लेकिन अब मामा ने हमें चेंज कर लिया, पहले भी नहीं हम जाते थे, पहले भाई की साइकिल आई थी तो इसलिए हमें थोड़ा जोश चढ़ा होता, मम्मा ने भी हमें मना कर दिया, अब हम जाते भी नहीं, तो बारिश कुछ ऐसी हुई है
के अब हमें पता भी नहीं चला कि बारिश है, वरना तोतों को ही कवर कर देते। और लेकिन तोतों के कुछ में पानी नहीं जाएगा क्योंकि बारिश ना बहुत हल्की हल्की हुई है। इधर जन्नत भी आ गई है बारिश और भी। आज इंद्र आज अभी भी थोड़े थोड़े कतरे गिर रहे हैं। आज देखिए अभी तक हम लोग इधर बैठे हुए हैं, माँ बाबा अभी तक नहीं आए, सियालकोट गए हैं, दूर का सफर होता ना तो अभी तक नहीं आया। हमने मैसेज तो किया है तो बच्चे भी सारे उदास हो गए हैं। अब एंड एंड का टाइम है तो ये भी तंग करना स्टार्ट हो गए थे, तो दोनों एक दूसरे को तंग करते समझाया है बात बैठा के, अब जाके थोड़ा बेटर है, बहुत तंग कर रहे थे मैंने। जी हमारा वापसी का जो सफर था वो शुरू हो चुका था, अल्लाह के सपोर्ट। बच्चे भी माशाल्लाह से हमें फ़ोन शोन करके अपनी इतला देते रहे थे, वीडियो कॉल करके, वीडियो मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके हमें इतला देते रहे थे। माशाल्लाह ठीक थे, शुक्र है अल्लाह का। तो बस यही था कि जी बच्चों के बिना जाना हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने ये वक्त भी हमारा अच्छे से गुजार दिया। तो मैं अपनी जो आपको बताऊं हाला के घर भी गई मैं बहुत ज़्यादा, उस टाइम बिल्कुल हाला के घर के पास थी, हाला का घर और बुरार के नाना अबू का घर बिल्कुल ही आमने सामने है। तो मैं फिर अपनी हाला के घर भी हो के ही हाला बहुत ज़्यादा खुश थी मेरी। आपको जैसा कि मैंने बताया वो अम्मी जी नहीं है, तो हाला को देखा तो बिल्कुल ऐसे ही लगा कि जैसे मैं अपनी अम्मी से मिली हूँ इतने सालों के बाद। काफ़ी देर के बाद मैं अपनी हाला से भी मिली हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके जाती ही बहुत कम हूँ। माशाल्लाह से अपने ससुराल में मेरा इतना अच्छा वक्त गुजर जाता है, मायके की याद ही बहुत काम आती है। तो मैं शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला हर किसी को अपने ससुराल में ऐसे ही खुश रखे कि मायके की याद ही कम आए। तो जब यहाँ पर हम 10 बजे घर पहुँचे हैं, 15 मिनट हो गए मैं पहुँचे हुए, बच्चों को खाना शाना तो अभी है कुछ भी नहीं दिया, पूछते हैं अभी उनके हाल ख्वाल। तो मैं कहा पहले मैं अब व्लॉग एंड कर लूँगी क्योंकि मैं भी थकी हुई हूँ, अब चेंज वगैरह करेंगे तो रेस्ट करेंगे, बच्चों को कुछ खाने पीने को दूँगी। तो देखते हैं फिर सुबह इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तो आज का दिन बस ऐसे ही गया, तो लाइक शेयर कर दिएगा। इसी के साथ ही आज का व्लॉग है जो वो करते हैं पर, तो मैम श्योर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।